अच्छा, 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आप विद्यार्थी था, जी हाँ, आपके लिए यहाँ पर ठीक है इंग्लिश का एक बेहतरीन सा सिंपल पेपर लेकर आया हूँ। जिस तरह मैथ में मैंने पूरा बताया और पूरा ही आया, चार पेपर में से पूरा फंस गया, वैसे छह बताए थे एब तक, लेकिन चार में से ही फंस गया था। इंग्लिश में ओनली चार पेपर ही बहुत है। यहाँ से अपन पहला आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे वैसे काफ़ी हद तक बहुत बच्चे बहुत सारे छाट लेते हैं, तो ये हो गया, बस छाटना है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कर सकते हो आराम से। इसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा है, बी ऑप्शन राइट रहेगा, सी रहेगा, यहाँ से ए रहेगा, बी रहने वाला है। इसके बाद में ये अपना देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर दो रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये, ठीक है, ये भर लीजिएगा आप जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से यदि बात करें तो बर्थडे पार्टी वाला है, तो पहले बर्थडे पार्टी का लेटर आपको यहाँ से करना है ये, ठीक है, बढ़िया से कम्प्लीट करना है, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन कर लेनी है। तो ये देखिए आपका यहाँ से, ठीक है, बढ़िया से इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है भाइयों। तो ये देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर बढ़िया से थोड़ा छोटा करके बता देता हूँ मैं आपको, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ना, हो गया, इतना कर लो पाओगे, ठीक है भैया, आराम से आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका बर्थडे पार्टी वाला है, तो बर्थडे पार्टी का आपका रह जाएगा ये यहाँ से, ठीक है, ये बर्थडे पार्टी का लेटर रहेगा। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको लेटर और एप्लीकेशन दोनों चीज़ें बता दिए है ना, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा एक बार। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे, यहाँ से वंडर ऑफ साइंस का ऐसे आएगा 100%। ये आपका बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसको देखिए आप पहले ध्यान से, सी डज हर होमवर्क डेली, मोहन डेड ऑफ मलेरिया स्टूडेंट मस्ट आ जाएगा, यहाँ से द आ जाएगा, यहाँ से टॉलर, ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना आए इसलिए मैंने जल्दी जल्दी भर दिए, यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। ये देखिए, आई डू माई होमवर्क, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क, चिल्ड्रेन रीड बुक्स, तो बुक्स आज रीड बाई चिल्ड्रेन, रोहन इज माई फ्रेंड, तो हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड रोहन, ये सभी कर सकते हैं। इट इज रेनिंग चेंज इन टू प्रजेंट परफेक्ट, तो इट हैज रेंड आ जाएगा, है ना। चलिए अगले आगे देखते हैं, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, तो अनलेस यू कैन रन फास्ट, यदि आप दो तेज नहीं दौड़ते तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। उषा रन्स वेरी फास्ट, तो इसकी जगह पे वेरी की जगह पे सो आ जाएगा और यहाँ पर डेट आ जाएगा, बाकी तो चीज़ें क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से देखो, ये ठीक है, पूरी चीज़ें भर दिए ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये पेसेज है, ध्यान से देख लेना आप, तो हो गया इतना, ये यहाँ से इसके आंसर रहेंगे ए बी सी, ये आपका बी वाला रहेगा, हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया आपका, ठीक है, ये इसको पूरा पीडीएफ के थ्रू अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना, ये यहाँ से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 13 है, और ये 14, 15, और ये आपका 16 रहने वाला है, ठीक है भैया। तो ये तो मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, चलिए अब इसका पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन भी देखते हैं ना, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये यहां से ना हो गया पहला क्वेश्चन, इसके बाद में ये दूसरा रहेगा, यहां से तीसरा रहेगा, ये आपका चौथा, यहाँ से पांचवा रहने वाला है, और ये छठा, यहाँ से सातवां। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिएगा आप, तो ये ध्यान से, ये हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा आप, तो ध्यान से भैया आराम से लो स्क्रीन शॉट थोड़ा, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पर है, ये तीसरा रहेगा, ये 14 का यहाँ पर है, ये आपका दूसरा रहेगा यहाँ से, ये आपका तीसरा रहेगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका अथवा रहेगा यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 16 है ये,
इसके बाद में इसका थो वाला ये रहेगा। ठीक है भैया, आराम से कंप्लीट करिएगा। ये मैंने आपको पूरा पेपर